चमक गई दोस्तों अरुणिता कांजीलाल की किस्मत। धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से एक बड़ा ऑफर जिसे सुनकर आप लोग भी खुशी से झूम उठेंगे, स्पेशली जो अरुणिता के फैंस हैं वो खुशी से झूम उठेंगे और कहेंगे कि वेल डिजर्विंग। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, आप मुझे वहां पर फॉलो करें। बात करते हैं अरुणिता कांजीलाल की कि आखिरकार मैडम ने ऐसा क्या कर दिया। ऑफ कोर्स उनकी गायकी दी बेस्ट है और पवनदीप को टक्कर देते हुए नजर आती हैं। बता दूं आपको तो नया प्रोमो रिलीज हुआ है दोस्तों, जहां पर धर्मा प्रोडक्शन के कर्ता धर्ता मिस्टर करण जौहर मौजूद हैं और करण जौहर मौजूद होकर कहते हैं कि भैया अरुणिता आपकी एंट्री हो गई है धर्मा प्रोडक्शन में। दरअसल मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि फिनाले से पहले जो होगा मींस करण जौहर जो है वो 8 तारीख को बिग बॉस तो ला रहे हैं, लेकिन बिग बॉस OTT, लेकिन उससे पहले जो है वो इंडियन आइडल सीजन 12 में गए हैं और वहां पर वो जज बनकर गए हैं, मतलब जज नहीं स्पेशल गेस्ट बनकर गए हैं। और ऐसे में यहां पर बैक टू बैक गानों का सिलसिला चलता है और अरुणिता जो गाना गाती है मेरी सांसों में तू कभी खुशी कभी गम वाला गाना गाती है, और अरुणिता इतना अच्छा गाती है सोनू कक्कड़ से लेकर हिमेश रेशमिया से लेकर करण जौहर तक इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि करण जौहर बोलते हैं कि भैया कांग्रेचुलेशंस, आप जो हैं ऑफिशियल तौर पे धर्मा प्रोडक्शन की जो परिवार है उसमें शामिल हो चुके हैं। यानी कि जो सिंगर्स हैं जैसे देव नेगी हैं, इसमें धर्मा प्रोडक्शन की फिल्मों में उनके गाने होते हैं, सुनिधि चौहान जी के होते हैं, अरिजीत सिंह के होते हैं दोस्तों, तो ऐसे में अब अरुणिता का भी गाना आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट का, आलिया भट्ट जिस फिल्म में आ रहे हैं रॉकी एंड रानी की लव स्टोरी, तो हो सकता है कि शायद उसमें हो। सो गाइज व्हाट्स योर रिएक्शन, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे जरूर बताइए। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। कांग्रेचुलेशंस अरुणिता।